बात समझिए कि हमारी जो क्षमता रही है पिछले 3 वर्षों में उसमें 54% की वृद्धि हमने की है, जो व्यवस्था 70 साल में बनी थी उसकी तुलना में। तीनों मोर्चों पर, जनरेशन के मोर्चे पर भी, ताकि हम पर्याप्त बिजली पैदा कर सकें उस पर भी काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता हमारी काफ़ी 3 साल में बढ़ी है, और आज जो 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं कश्मीर डिवीज़न ने, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हमारी और बढ़ेगी। मोटे तौर पर RDSS भारत सरकार के सहायता से चलने वाली एक परियोजना है, 5000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत कराने के लिए आज NTPC के साथ, पावर ग्रिड के साथ, REC के साथ, और मीटर लगाने का एक MOU भी हमने साइन किया है, कुछ हमारे अपने लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परियोजना के शामिल पूरा होने के बाद जो 24/7 क्वालिटी पावर का लक्ष्य हमारा है वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। सर, कल एक बार फिर से हमने पुलवामा में देखा कि एक अटैक हो गया, तो क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ, और जिन लोगों ने भी घटना की है मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगे। सिक्योरिटी में इस तरह की एकाध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे।